हेलो दोस्तों, मैं हूँ सविता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आपके लिए आम का अचार। तो आम का अचार बनाने से पहले आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो, आम के अचार वाली वीडियो, आपको कैसी लगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। ये हमने लिया है कच्चा आम जिसको चार पीस कट कर लिया है। इसको मैंने अच्छे से धुल करके पंखे के नीचे बहुत अच्छे से सुखा लिया है ताकि इसमें पानी ना लगा हो। अभी हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और एक बड़ा चम्मच नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रात भर के लिए हम इसे ढक करके रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से हल्दी और नमक मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमने ढक करके रख दिया है। अभी देखते हैं, ये सारा मिक्स हो चुका है हल्दी और नमक। अब हम तैयारी करेंगे मसालों की, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मसाले, जिसमें है दो चम्मच सौंफ, एक चम्मच मेथी, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच कलौंजी और दो चम्मच जीरा। और ये दूसरे मसाले हैं, इसमें तीन चम्मच जीरा है, एक चम्मच कलौंजी, एक कटोरी भर कर के सौंफ, एक चम्मच मेथी और एक चम्मच अजवाइन। ये जो ज़्यादा वाले मसाले हैं इसको हम हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। कम से कम 5 मिनट तक इसको हम भुनेंगे सारी चीज़ों को। और जो हमारे कम मसाले थे, 2 प्लेट में थे जो कम मसाले थे, उसे हम भुनेंगे नहीं, बिना भुने ही उसको हम ग्राइंड करेंगे। और ये जो ज़्यादा मसाले वाली प्लेट थी, ये इन मसालों को हम ज़्यादा भुनेंगे। ये भुन चुका है, अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। और हमारा जो दूसरा मसाला है इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, बिना फ्राई किए ही इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमने जार में डाल दिया है, इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए ग्राइंड हो चुका है, इसको अभी मैं प्लेट में निकालूंगी। ये प्लेट में निकाल दिया हमने। अभी वो मसाले हम पीसेंगे जो हमने भुने थे, ये इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, इसको भी हम पीस करके निकाल लेंगे प्लेट में। अभी जो दोनों मसाले हैं, इन दोनों मसालों को मिक्स करेंगे। एक वो मसाला जो कि भून करके पीसा गया है और दूसरा वो मसाला जो बिना भुने ही पीसा गया है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दो तरह के मसाले हैं। ये जो बाउल में मसाला है ये बिना फ्राई किया हुआ मसाला है, जो प्लेट में है वो फ्राई किया हुआ मसाला है। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, अभी हम मिक्स करके रख लेंगे। अभी हम चलते हैं, अभी हम कढ़ाई रखते हैं। ये देखिए कढ़ाई रख दिया है, तेल गरम हो गया है। इसमें हम जो हमारा आम था जो हमने रात भर के लिए रख दिया है उसको हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी निकला है वो भी जल जाए और हमारा अचार बहुत दिनों तक, सालों तक चले, ख़राब ना हो। इसको हाई फ्लेम पर हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जो हमने हल्दी वाला पाउडर और नमक डाल करके रखा था रात भर के लिए, तो उससे पानी निकला है तो ख़राब होने का डर ज़्यादा रहता है। अभी ये अलग से हमने कढ़ाई में तेल गरम किया है, इसको हम लास्ट में डालेंगे। ये देखिए हमने आम को फ्राई कर लिया था, अभी हम ये मसाला उसमें मिक्स करेंगे। साथ में ये है लाल मिर्च का पाउडर, ये है 1 बाउल काला नमक और 1 बाउल सफ़ेद नमक इसमें हम डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिएगा, कम पसंद है तो कम डालिएगा, अगर नहीं पसंद है तो लाल मिर्च नहीं डालिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च वो तीखी नहीं होती है, बस कलर उसमें देता है, जिससे अचार हमारा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी होता है। इसको हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से। ये देखिए मिक्स कर लिया है, अभी जो हम तेल गरम कर रहे थे डालने के लिए, ये देखिए गरम हो चुका है। इसको हम ठंडा कर लेंगे, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम कांच के जार में अपने अचार को भरना शुरू करते हैं। हमने वो तेल पंखे के नीचे रख दिया है, वो ठंडा हो रहा है, जब तक वो ठंडा होगा तब तक ये हमारा बाउल ऊपर तक भर जाएगा, उसके बाद वो तेल हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए जार में हमने, कांच का जार ज़्यादा सही होता है, क्योंकि कांच के जार में अचार ख़राब नहीं होता है, प्लास्टिक के जार में अचार ख़राब हो जाता है। तो आप कांच का जार ही यूज़ करिएगा जहाँ तक हो सके।
इसको हम दबा दबा के भरेंगे, ज़्यादा जगह नहीं रहे। अब ये जो गरम तेल हमने किया था वो ठंडा हो चुका है, इसको हम ऊपर तक भर लेंगे। ये बुलबुले इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि नीचे जो ये जो तेल है वो नीचे की तरफ जाता है तो ऊपर बुलबुले छोड़ता है। हमें ऊपर तक इसको भर लेना है, बिल्कुल भी खाली ना रहे। आम इसमें डूबा रहेगा तभी ये सालों तक अचार चल पाएगा। ये देखिए हमारा अचार रेडी हो गया है। दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम इस अचार को एक बार निकाल के देखते हैं कि कैसा बना है। ये एक रेडीमेड अचार यानी कि तुरंत बना हुआ अचार है, इसको हम तुरंत यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं दाल के साथ, रोटी के साथ। ये देखिए मैं इसको अभी दबा के दिखाती हूँ आपको, ये बिल्कुल अच्छे से पक भी चुका है। ये देखिए चम्मच गिर गया, कोई बात नहीं। ये देखिए हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो गया है।